हाय गाइस, दिस इज आदित्य और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पतंग में नत्थी किया जाता है और कैसे पतंग को उड़ाया जाता है। तो ये आपको चाहिए होगा पहले एक पतंग, ये मेरे पास पन्नी वाला है, और आपको एटलीस्ट एक मीटर धागा चाहिए होगा। ये मेरे पास एक मीटर का धागा है, आप अपनी मेजरमेंट से दे सकते हो, थोड़ा बहुत बड़ा भी चलेगा। और अगर आपको डबल करना है तो आप इसे डबल करके भी कर सकते हो, बट मैं सिंगल करूँगा। तो सबसे पहले आपको पतंग में करनी होगी कहीं पर छेद, तो मैं बताता हूँ कहाँ पे छेद करना। क्योंकि आप देख सकते हो ये पतंग है, और यहाँ एक आपको छेद यहाँ पे करना है, ये आप देख लो, ये छोटा सा एक छेद वहाँ हो गया, और जस्ट इसके यहाँ पे करना है आपको एक छेद इसके क्रॉस में, ये रहा एक हो गया। और एटलीस्ट आप अपने हैंड से एक इतना लेकर, आप अपने हाथ से इतना सा मेजरमेंट लेकर आप यहाँ पे छेद कर देना। ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये हो गया देखो। और फिर उसके बाद कैसे इस धागे को इसमें लगाना है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना ये पतंग को ऐसे पलट लेना, ठीक है, और यहाँ पे एक सूता इधर से डालना है, और फिर ये देखो, और फिर ऊपर वाले से इसे पीछे की तरफ निकाल लेना है, ये रहा, और इसमें गांठ बांध देनी है, ये रहा गांठ, ये रहा, ये कुछ ऐसा सेट करा ऊपर कैमरा ऊपर, यहाँ देख सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सही मेजरमेंट से ऐसे करके इसे बांध देना है, यहाँ पे ये मेजरमेंट सही हो गया, ये पतंग एकदम रेडी हो चुका है उड़ने के लिए। बस इसमें अब धागा फंसाना है, चाहिए होगा आपको एक ऐसा लटेल उसमें धागा, और ये रहा पतंग, और ये उस लटेल का ये धागा छोर है, और ये देखिए ये पतंग में कुछ पतंग के इस पोर्शन में यहाँ पे बांधना है, यहाँ पे ऐसे करके, ये रहा है, ये देखिए ये बन चुका है। ये कंप्लीट हो चुका है, और अब अभी भी बाकी है, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो पतंग नहीं उड़ेगा। सबसे पहले ये पतंग है, इसको कुछ ये साइड ऐसे रखना है, ये वाला पीछे ये ऐसे रहेगा, और इसको ऐसे करके इसके पेटी को थोड़ा सा मोड़ देना है ताकि ये फ्लेक्सिबल हो जाए। ये देखिए ये फ्लेक्सिबल हो चुका है, अब इसको उड़ाने का टाइम आ गया। इसको कुछ ऐसे पकड़ देना है आपको, और वो सामने वाला कैसे पतंग छोड़ेगा वो सरिया कैमरामैन बता देगा, जाइए। गाइस ये देखिए पतंग उड़ रहा है, और उधर दिखाइए कैमरामैन, वो पतंग जिस साइड में, वो आप देख सकते हो वो येलो वाला उसका टेल है, और वो हेड है ऊपर वाला, हेड जिस तरफ जाएगा आप उस तरफ खींचेगा तो पतंग उसी तरफ जाएगा। ये देखिए हेड इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, अभी हेड नीचे करूँगा और नीचे जाएगा। ये देखिए आप जिस तरफ हेड करेंगे, हेड जिस तरफ रहेगा आप उस तरफ बस एयर में प्रेशर डाल दो, ये उधर ही जाएगा। ये जैसे हेड नीचे गया, ये अभी ऊपर करूँगा, हेड ऊपर है तो ये देखिएगा कुछ ऐसे, और फिर इसको ढील भी आप दे सकते हैं ज़्यादा एयर में जाने के बाद। ये रहा पतंग, अभी हम लोग को आगे, ये देखिए
जिस तरफ हेड जाएगा उस तरफ आपको बस प्रेशर लगा देना है, हेड ऊपर तो पतंग भी ऊपर। ये देखिए हेड नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं नीचे की तरफ घीच दूंगा तो पतंग नीचे चला जाएगा। अगले वीडियोज़ में गाइस मैं सिखाऊंगा कि पतंग कैसे काटा जाता है, उसके लिए आप ट्यून रहना मेरे चैनल पे। ये देखो अभी मैं पतंग को समेट रहा हूँ और हमारी पतंग वहाँ पर, वैसे ये ज़्यादा दूर नहीं है बट फिर भी। कैसा लगा गाइस आज के वीडियो में, कैमरा मैन इधर दिखाइए। ये देखिए गाइस पेट भी जा रहा, आप इसे अपने कानों को साफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसा, और साइंस पता रहता तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते थे गाइस। ये देखिए पतंग टूट गया, मेरे चैनल पे बने रहिए। ये देखिए कैमरा मैन गाते हुए, वैसे एक कैमरा मैन नहीं है।